भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से जब पूछा गया कि आप अपनी पार्टी को क्यों कोसते रहते हैं, जवाब देते हुए स्वामी ने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर जो बातें कही गई हैं, अगर मैं उस मुद्दे को उठाता हूं तो गलत कौन सा यह पार्टी का है। बीजेपी सांसद से सवाल किया गया कि आप अपनी पार्टी पर इतने अधिक हमलावार क्यों रहते हैं, विपक्षी दलों से भी अधिक आप सवाल खड़ा करते हैं, चीन का मुद्दा हो या अर्थव्यवस्था हो, आप हमेशा अपनी ही सरकार को कोसते हैं। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उत्तराखंड में मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण को लेकर आवाज उठाया, इसमें क्या गलत है, यहाँ पार्टी गलत है या मैं, मुझे जो भी लगता है मैं उसका विरोध करता हूं। बताते चले कि हाल के दिनों में स्वामी लगातार केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी के एक पुराने फैसले पर निशाना साधा था। स्वामी ने इस बार मशहूर अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के एक पुराने लेख की चर्चा करते हुए पीएम को घेरा था। वहीं दरअसल ट्वीट कर लिखा था कि भारत के लिए शर्म की बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़कर सभी अर्थशास्त्री समाजवादी और मध्यम वर्ग विरोधी हैं। शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी ने इस घटिया अरविंद सुब्रमण्यम को लंबे समय तक मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में रखा था। वह अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और इसे बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।